बस इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि इससे बढ़कर अब गुनाहे आशिकी क्या होगी कि जब रिहाई का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत हो चुकी थी। तकलीफ दे बात तो है, लेकिन ये शेर है कि एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, आखिर तारीख जुदाई बार तो होना ही था। और हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा नहीं भैया ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत तो बहुत लगा है। 3 दिन से मैंने पहले रिसर्च किया, उसके बाद ये जानने की कोशिश की कौन कौन लोग जा रहे हैं, और उसके बाद जब कंटेंट मिला तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बन जाए जिनसे यादें जुड़ी हो। दरअसल जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, केएमसी यूनिवर्सिटी, वहाँ के थर्ड ईयर के छात्र जो इस साल जिनका फेयरवेल हो चुका है और जा रहे हैं, उनसे मैं मिला, उनसे पूछा, उनसे जानने की कोशिश की जो वो जब यहाँ आए थे तो उन्हें कैसा लगा था और जाते वक्त कैसा महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली जहाँ 3 साल हम रहे हैं वहाँ से रिश्ता जुड़ ही जाता है, और जाते वक्त उन्हें कैसा लग रहा है। उसमें कुछ लड़के ऐसे मिले जो फर्स्ट बैच के थे, हॉस्टल के फर्स्ट बैच के थे, यूनिवर्सिटी कुछ समय उससे पहले स्थापित हो चुकी लेकिन हॉस्टल के पहले फर्स्ट बैच के थे, उनसे मैंने पूछा ये जूनियर्स जो आएंगे तो वो देखेंगे, हमारे जो जूनियर्स आएंगे 10 साल बाद 12 साल बाद जब वो देखेंगे जो फर्स्ट बैच के लड़के किस तरह जा रहे थे तो कैसी मायूसी थी इस हॉस्टल के, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया। पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल था, 3 साल आप इस विश्वविद्यालय में रहे तो जाते वक्त आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले भैया मैंने इनसे मिला। मैं शिवम सिंह, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्दू अरबी फारसी से मैंने MBA किया है, और अब ये मेरे 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, और जाते वक्त मुझे बहुत सैड फील कर रहा हूँ मैं, और मेरे जो टीचर है सबसे ज़्यादा मैं उनका थैंक्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी ज़रूरत हुई पढ़ाई में या कोई भी मुझे प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मुझे सब ने सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने HOD डॉक्टर सैयद हैदर अली को करूँगा, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ 2 साल मैं रहा, उसके बाद इनसे मिला। अब हम आए यहाँ पे 2 साल के लिए रहे, और 2 साल का जो अपने जीवन का अति महत्वपूर्ण समय था वो हमने विश्वविद्यालय को दिया, यहाँ पर हम रहे तो विश्वविद्यालय के साथ एक ऐसा संबंध बन गया मेरा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अब अपने घर में हूँ। अब यहाँ से जाने में मुझे केवल 7 दिन शेष हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हॉस्टल नहीं मैं अपना घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक खुशी भी है कि जो है आगे जाके और नए पथ पर अग्रसर होना। उसके बाद इनसे मिला। सबसे पहले तो दोस्त, मेरा नाम तारिक अजीज है, मैं उर्दू BA फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। यहाँ अब मेरे जो है 3 साल बहुत ही अच्छे गुजरे, और असातिज़ा से भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, असातिज़ा ने हमारे हर एक कदम पर साथ दिया, और दोस्तों दुनिया का दस्तूर है, इंसान दुनिया में आता है तो उसको जाना ही रहता है, यहाँ कोई रहने वाले नहीं, वो कि हर एक जगह पर इंसान जाता है तो वहाँ से उसकी जुदाई होती है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसमें हमारा 3 साल बहुत ही हसीन गुजरा, और यहाँ से जुदाई अब हमारी होने वाली है, तकलीफ दे बात तो है। और फिर ये मैं पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम खलीफा शेख आजमी है, मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ और BBA 6 लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे बहुत ही 3 सालों में बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। पहली बात, मैं यहाँ का फर्स्ट बैच हूँ, हॉस्टल में रहने के लिए आया था, तो यहाँ पे बहुत ही एक फैमिली की तरह प्यार मिला मुझे। अब जाते जाते थोड़ा सा एक उदासीपना आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग तकरीबन 300 बच्चों के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, लोगों से आपस में बातचीत करना, बहुत कुछ यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली, कई धर्मों के बीच, कई लोगों के बीच, कई कई
कई चीजों कई चीजों से कई नई नई चीजें सीखूंगी यहाँ पे। फिर तो भैया मिलने का सिलसिला चलता रहा, फिर दूसरे दिन होके इनसे मिला। 3 साल ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। हम लोग 2016 में इंटर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय में आए और देखते देखते 3 साल कैसे बीत गए हमको पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा चीजें यहाँ सीखने को मिली इतने दूर से हम चल के, यानी हम बलरामपुर के रहने वाले हैं, बलरामपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई मैंने की, इस बार हमारा लास्ट ईयर है। अच्छा नहीं लग रहा है, घर जैसा माहौल हो गया था, बहुत अच्छी वो हो गई थी जिसको कहते हैं एनवायरमेंट। और ये भैया जो थे ये फर्स्ट बैच के थे, इन्होंने बताया। देखिए जब हम लोग आए थे तो हॉस्टल में हम लोग आए थे तो कुछ नहीं था, हम लोग पहला बैच था और हम लोग उसी जब हम लोग आए थे उसी टाइम ये हॉस्टल स्टार्ट हुआ था। और फिर इनसे मिला। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं BA अरबिक ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस इंस्टीट्यूट में मैंने इत्तेदार में जो तालीम हासिल करी है आने बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यहाँ के असातिज़ा क्योंकि बहुत ही मुशफिक हैं, तमाम असातिज़ा बहुत ही यहाँ मेहरबान हैं। स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब जो हमारे अरबी डिपार्टमेंट के लिए हर बच्चे के लिए एक मतलब रहनुमा है। और इस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में जो पारिवारिक माहौल है बहुत ही अच्छा है, सारे जूनियर सीनियर मिल के साथ में रहते हैं। और इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही और अदर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, स्पेशली जामिया JNU DU और BHU LU। और फिर ये मिले। पहले मैं अपने आप को तारुफ करा दूँ, मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन में मेरा ये साल आखिर है और अब मैं यहाँ पे छोड़ के जाना है। 3 साल जो मैंने यहाँ पे गुजारे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा मेरा यहाँ पे। एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पर बना और जिस तरह के एक फैमिली मेंबर में लोग होते हैं, भाई होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, उसी तरह से एक यहाँ इस तरह की एक अपनाई महसूस हुई और लगा कि कुछ बाहर का नहीं है। जो हमारे टीचर थे वो यहाँ की जो वार्डन थे, जिस तरह एक बाप होता है जिम्मेदार होता है, उस तरह हमें हमको महसूस हुआ। और जिस तरह की यहाँ स्टूडेंट थे हम बिल्कुल पूरे भाई की तरह, उन्होंने हमें सपोर्ट किया जो हमारे सीनियर से हर तरीके से और हर मोड़ पर वो हमारे लिए हमारे कदम से कदम मिला करते रहे और उन्होंने हमें हर मुश्किल पर हमारी मदद की। और बहुत अच्छा एक पढ़ने का माहौल यहाँ मिला इस वजह से कि ये यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा शहर से थोड़ा दूर है और इस तरह से एक सुकून माहौल मिलता है पुरसकून माहौल मिलता है। और फिर इन्होंने ये बताया। मेरा नाम अभिषेक मौर्य है, मैं BA डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। यहाँ KMC में मैं रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाते वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई परिवार यहाँ परिवार सा बन गया था और वो परिवार मेरा छूट रहा हो, ऐसा लग रहा है। कोई कमी सी महसूस हो रही है दिल में कि कुछ एक ऐसा लम्हा था, कुछ ऐसा पल थे जो यहाँ मैंने दोस्तों के साथ बिताया और वो छूट रहा हो। तो एक सैडनेस भी है और एक खुशी भी है कि यहाँ से मैं कुछ अचीव करके जा रहा हूँ और शायद ये जो है मेरे जीवन के सबसे अमूल्य दिनों में से ये रहे KMC के दिन। तो और फिर इन्होंने ये बताया। A little bit sadness because I have spent almost 2 years here with having a lots of people and I got a lot of new exposure here in the self-esteem. You know, somewhere I built a great level of self-esteem in my own self. I found many changes. I found a lot of good people who having a good of, you know, a sense of caliber, a sense of dignity, all these things. Yeah, I'm currently pursuing my MBA just in a few days, just a week left to pack up my course. And I'm pursuing my MBA just having a Department of Business Administration. My HOD is Dr. Sayed Haider Ali. और फिर ये मिले। मेरा नाम रजनीश द्विवेदी है और मैं BEd फाइनल ईयर का स्टूडेंट। काफी अच्छा लगा, एक अलग अनुभव यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पे KMC में रहकर। और काफी नए नए दोस्तों से मुलाकात हुई और क्या कहते हैं, मतलब फाइनली मैंने एंजॉय किया ये 2 साल, पढ़ाई भी हुई। और जाते वक्त मतलब आप लोग कैसा महसूस हो रहा है छूटते वक्त? देखिए हम लोग इस तरह जाए थे, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर दिया ना। तो हम लोग थोड़ा डाइवर्ट टाइप एरिया के रहने वाले थे, हम लोग तो आए थे शहर में आए थे तो बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिले, एक दूसरे से मिले, गंगा जमी तहजीब मिली। और
जाते वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख महसूस हो रहा है, तो कहने में थोड़ा दुख पैदा हो रहा है कि छोड़ कर जा रहे हैं। फर्स्ट बैच में थोड़ा सा रहने वाले की दिक्कत शुरू में पेश आई, फिर जैसे जैसे ढलते गए चीजें उसी तरह तरक्की बढ़ती गई। पहले मैच में हम लोग खाना खाते थे, वहाँ पे चटाइयाँ होती थी, फिर धीरे धीरे वहाँ पे टेबल और कुर्सियाँ प्रोवाइड हुई। जाते वक्त कैसा लग रहा है? जाते वक्त लगने का एक थोड़ा सा उदासी है, गम है अपने दोस्तों यारों को छोड़ कर जाना, लेकिन फिर भी क्या है, जिंदगी है, छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। हो गया था पढ़ने का, लेकिन ये एक लाइफ साइकिल है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस वजह से हमको अब आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए दिन ब दिन हमको आगे बढ़ते जाना है और इन सब चीजों को छोड़ते जाना है। तो इससे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, वाकई में यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सब भाई जैसे दोस्त जैसे भाई जैसे दोस्त थे, तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे इनको मिस किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इनको मिस किया जाएगा, लेकिन ये लाइफ है, आज यहाँ दो कल वहां दो परसों दूसरी जगह, तो इस सारी चीजों को हमको मैनेज करना पड़ेगा। नाम मेरा मोहम्मद तंग अंसारी है, मैं बीबीए कोर्स कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जाते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? जाते वक्त मुझे बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही गंदगी माहौल है और बहुत ही असुविधा हूँ मैं इस चीज के लिए, और मैं बहुत ही शर्मिंदा भी हूँ क्योंकि मैंने कुछ मतलब अपने जो सीनियर से यहाँ सीखा था उनको जाते हुए देखा था, तो मैं उस वक्त मुझे इस चीज को महसूस नहीं किया था, लेकिन फिलहाल मैं महसूस कर रहा हूँ। और जाते वक्त मैं बहुत ही मतलब समझ लीजिए गिल्टी टाइप भी फील कर रहा हूँ और बहुत ही मतलब गमगीन रंजीदा भी हूँ और बहुत ही मतलब समझ लीजिए गम में मुब्तला हूँ इस तरीके से। और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक मतलब यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो अरबी के लिए खास है, वहां से मैं अपना अरबी का कोर्स कंप्लीट करके जा रहा हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट जितना मैंने शुरू में बताया कि मैं अरबी डिपार्टमेंट से मैं बीए कर रहा हूँ, ये मेरा साल का आखिर है। मैं केएमसी के टीचरों का, यहाँ के अपने सहपाठियों का, अपने जूनियर्स का और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं जिनका सहयोग रहा मेरे इस पढ़ाई में और मेरे मेरे जो है व्यवहार में परिवर्तन के लिए, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले जूनियर मतलब मैं अपने जूनियरों को सलाह दे सकता हूँ कि मुझे लगता है कि वो अच्छे जूनियर आएंगे, मैं अपने जूनियर को ये सलाह दे सकता हूँ कि हाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ अच्छा इनको ये सलाह दूंगा कि उन बच्चों को यहाँ पे एडजस्ट करने में हेल्प करें, जैसे स्टाफिंग में आता है तो उसको हॉस्टल में समस्या होती है, तो इनको पहले बताना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कैसे आप जो सर्वाइव करेंगे, तो इनको हेल्प करनी चाहिए। जाते वक्त दिल में दर्द होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई, कुछ घटनाएं जो थोड़ी अंदर से टीस रह जाएगी वो, और कुछ नहीं। ये तकलीफ जब बात तो हुई, लेकिन ये शायद है कि एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, आखिर तारीख जुदाई बार तो होना ही था। और दोस्तों ये यूनिवर्सिटी यही कायम रहेगी, लोग आते रहेंगे, और एक शायद है कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह के वाकयात सारी सबकी ज़िंदगी में रोनुमा होते रहते हैं, उन्हीं में से हम भी हैं, तो बहुत प्यारा लगा यहाँ का जो है मिजाज, यहाँ के साथियों का, और ये उर्दू यूनिवर्सिटी जो हमारे टेस्ट की रखी गई है वो चीज़ भी हमें देखने को मिली, और बहुत ही हसीन लम्हा। मैं चाहूंगा कि इससे बढ़कर अब गुनाह आशिकी क्या होगी कि जब रिहाई का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत हो चुकी थी। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ
खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ।